नमस्कार दोस्तों, वाईफाई गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो दोस्तों उनकी जो पिछले साल की कट ऑफ क्या रही थी एसएससी जीडी की, और इस बार कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है, तो इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा। और दोस्तों, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरा एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा और किसी का फॉर्म रिजेक्ट आ रहा है। तो दोस्तों, वो विद्यार्थी 8 फरवरी तक का वेट करें। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि एसएससी जीडी का जो सर्वर डाउन या फिर सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से कुछ विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम आ गई है दोस्तों, तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करें दोस्तों, और 8 फरवरी तक का वेट करें और तब तक सब ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है और जो पिछली कट ऑफ है वो क्या रही थी। और दोस्तों, हम सभी जगह स्टेट वाइज वैकेंसियों की जो पिछली कट ऑफ रही थी वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए लाते रहते हैं पल पल की अपडेट जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है और आपके प्रत्येक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल रहती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम बताते हैं एसएससी जीडी की जो पिछले साल की कट ऑफ क्या रही है, तो उसके बारे में हम पहले चर्चा करते हैं और उसके बाद में हम बताते हैं इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी कट ऑफ आ चुकी है दोस्तों यहाँ पर, और जो ये कट ऑफ है वो सभी स्टेट वाइज कट ऑफ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फर्स्ट में है अंडमान निकोबार, तो दोस्तों यहाँ पर जो जर्नल की कट ऑफ थी वो थी 36, ओबीसी की थी 33, और एससी और एसटी की यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं थी दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, यहाँ पर जनरल की गई थी 49 और ओबीसी की गई थी 51, और जबकि एससी की 35 और एसटी की गई थी 44 दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर जनरल है उसकी गई थी 35, ओबीसी की गई थी 37, एससी की गई थी 34 और एसटी की गई थी 33। नेक्स्ट बात करते हैं असम की, असम में जर्नल की 44 गई थी और जो ओबीसी है वो 45 और एससी की 42 और जबकि एसटी की 42 गई थी। बिहार में दोस्तों जर्नल की 75 गई थी और ओबीसी की 76 और एससी की 61 और एसटी की 73। दोस्तों बिहार में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से बिहार की जो कट ऑफ है वो हाई गई थी दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में जर्नल की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों वो गई थी 54 और ओबीसी की 49 और एससी की 43, जबकि एसटी की कोई भी वैकेंसी नहीं थी चंडीगढ़ के अंदर। और दोस्तों ये कट ऑफ 2015 की कट ऑफ है दोस्तों, पूरी ऑफिशियल कट ऑफ है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में जर्नल की गई थी 52 और जबकि ओबीसी की 57, एससी की 42 और एसटी की 51 गई थी। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं दादर नागर हवेली की, तो यहाँ पर जर्नल की गई थी 35 और ओबीसी की और एससी की यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं थी दोस्तों, और एसटी की गई थी 35 दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं दमन दीव की, तो यहाँ पर जर्नल गई थी 37 और ओबीसी गई थी 37 और एसटी रेसी की यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं थी दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली की गई थी जर्नल की 68 और ओबीसी की 66, एससी की 63 और जबकि एसटी की 58 गई थी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गोवा की, तो गोवा की जर्नल गई थी 35, ओबीसी की 34 और जबकि एसटी और एससी की गोवा में एक भी वैकेंसी नहीं थी। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में जर्नल की गई थी 46, ओबीसी की गई थी 43 और जबकि एसटी की एससी की गई थी 40 और जो एसटी गई थी वो गई थी 42। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा की, हरियाणा में गई थी जर्नल की 80, ओबीसी की भी 80 और जो एससी है उसकी 74, जबकि दोस्तों एसटी की हरियाणा में एक भी सीट नहीं थी। तो दोस्तों हरियाणा में भी काफ़ी फॉर्म भरे गए थे, इस वजह से यहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा आई गई थी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में जर्नल की गई थी 66
ओबीसी की 61, एससी की 63 और एसटी की 63 गई थी। उसके बाद में दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की जनरल की गई थी 45, जबकि ओबीसी की 36, एससी की 44 और एसटी की गई थी 37। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड की, झारखंड में जनरल गई थी 64, ओबीसी की 61 और एससी 42, एसटी 56। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटक की, कर्नाटक में जनरल गई थी 42, ओबीसी 42 और एससी का जो गई थी वो गई थी 36 और जो एसटी की थी वो गई थी 42। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों केरल की, तो केरल में जनरल की गई थी 35, ओबीसी की गई थी 33 और एससी की 34 और जबकि एसटी की गई थी 33। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही कम कंपटीशन रहा था पिछली बार केरल में। नेक्स्ट बात करते हैं लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप में जनरल की गई थी 62 और ओबीसी एससी एसटी की यहाँ पर कोई भी एक भी पोस्ट नहीं थी। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में जनरल की 68, ओबीसी की 69 और जबकि बात करते हैं एससी की 69 और एसटी की गई थी 57। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर जनरल की गई थी 56, ओबीसी की गई थी 55, एससी की गई थी 50 और जबकि एसटी की गई थी 49। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं मणिपुर की, मणिपुर में जनरल की गई थी 43, ओबीसी की गई थी 39 और एससी की 39 और जबकि एसटी की गई थी 36। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। नेक्स्ट है मेघालय, मेघालय की जनरल गई थी 35, ओबीसी की गई थी 33 और एससी की 33 और एसटी की 33। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप मेघालय में भी काफ़ी कम कंपटीशन था दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं मिजोरम में, मिजोरम में जनरल की 35 और ओबीसी एसटी एससी की गई थी 33, तो यहाँ भी कम कंपटीशन था। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नागालैंड की, नागालैंड में दोस्तों जनरल गई थी 44 और जो ओबीसी है और एसटी और एससी की कट ऑफ 33 ही गई थी दोस्तों यहाँ भी। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं उड़ीसा की, उड़ीसा में जनरल की 46, ओबीसी की 46 और जबकि एससी की 36 और एसटी की 44 गई थी दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं पांडिचेरी की, पांडिचेरी में दोस्तों जनरल की गई थी 35, ओबीसी गई थी 33 और एससी की गई थी 33, जबकि पांडिचेरी में एसटी की एक भी पोस्ट नहीं थी दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम पंजाब की, पंजाब में जनरल गई थी 55, ओबीसी गई थी 51, एससी की गई थी 50 और जबकि एसटी की एक भी वैकेंसी नहीं थी दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के, राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहा था दोस्तों, तो जनरल की 78 गई थी और ओबीसी में जनरल से भी ज़्यादा कट ऑफ गई थी दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जनरल ओबीसी कट ऑफ थी वो थी 82 दोस्तों, अभी तक की सबसे ज़्यादा कट ऑफ थी ये राजस्थान में ओबीसी की 82। उसके बाद दोस्तों हम बात कर सकते हैं जो एससी है वो रही थी 71 और जबकि एसटी की रही थी 73 दोस्तों, राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं सिक्किम की, सिक्किम में जनरल की 35, ओबीसी की 33 और जबकि एससी की कोई वैकेंसी नहीं थी और एसटी की 33 थी। नेक्स्ट बात करते हैं तेलंगाना की, जनरल गई थी 35, ओबीसी गई थी 37 और जबकि एसटी और एससी की गई थी यहाँ पर दोस्तों 35-35। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं तेलंगाना की, तेलंगाना की गई थी जनरल की 46 और जबकि ओबीसी गई थी 44 और एससी की गई थी 36 और जबकि एसटी की गई थी दोस्तों 47। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं त्रिपुरा की, त्रिपुरा में जनरल की जो कट ऑफ है वो गई थी 42, ओबीसी की कट ऑफ थी वो गई थी 42 और उसके बाद हम बात करते हैं एससी की गई थी 40 और जबकि एसटी की गई थी 33। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में दोस्तों जनरल की 77 गई थी और जबकि ओबीसी की भी 77 ही गई थी दोस्तों, और यहाँ पर जो एससी की कट ऑफ है वो गई थी 70 और एसटी की यहाँ पर गई थी 69। तो दोस्तों उसके बाद में हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो जनरल कट ऑफ है वो 70 है और जबकि ओबीसी की कट ऑफ है वो है 65 और जबकि एससी की है वो है 62 और
एसटी की कट ऑफ है 68। नेक्स्ट दोस्तों वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, इसमें जनरल की 53 गई थी और ओबीसी की 47 गई थी, जबकि एससी की 49 और एसटी की 47 कट ऑफ गई थी यहाँ से। तो दोस्तों हमने आपको सभी राज्यों की जो कट ऑफ गई थी 2015 के जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है दोस्तों, ये आप ये यकीन मानिएगा कि ये जो पूरी ऑफिशियल कट ऑफ थी, ये जो हमने आपको दिखाई है ये पूरी ऑफिशियल कट ऑफ थी, और ये पूरी सभी राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेश है उनकी सभी की कट ऑफ हमने बताई इस वीडियो में, और वो भी कैटेगरी वाइज बताई है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान की कट ऑफ, राजस्थान में दोस्तों एस जनरल की 78 थी और ओबीसी की 82। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राजस्थान में जो कट ऑफ थी वो ओबीसी की कट ऑफ जनरल से भी ज़्यादा गई थी दोस्तों। तो राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए दोस्तों राजस्थान के सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों राजस्थान के सभी विद्यार्थी अपना जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो कुछ एक्स्ट्रा करनी होगी उनको सभी राज्यों से, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जा रही है। इस वजह से दोस्तों आपको क्वेश्चन ज़्यादा करने होंगे और उसके अलावा आपको अच्छी मेहनत की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एससी की कट ऑफ है वो भी 73 है और एसटी की कट ऑफ है वो भी 73 है और जनरल की थोड़ी कम है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की कट ऑफ, और दोस्तों ये हम सभी बता रहे हैं 2015 के जो जीडी की जो फाइनल कट ऑफ है उसके अनुसार दोस्तों ये फाइनल जो कट ऑफ आई थी जीडी के द्वारा जारी की गई थी, तो वो पूरी ये कट ऑफ है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और एसएससी जीडी और उसके अलावा नई जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।